जब तक मन नहीं करेगा तब तक मन में उतरेगा नहीं, जब तक मन नहीं करेगा ना तब तक मन में उतरेगा नहीं। और मन में उतरने का मतलब यह है कि हम दिमाग के हर कोने में उस चीज को रखेंगे। कि मैं हमेशा कहता हूं कि बायोलॉजी पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि बायोलॉजी में गोता लगा लीजिए, डूब जाइए उसके अंदर, कॉन्सेप्ट के सागर में डूब जाइए और मोती निकाल के कि हाँ हमको सर समझ में आया और जिंदगी भर काम आएगा। मैं आपसे कह रहा हूं बेटा, जो लोग सुपरफिशियल होते ना समुद्र के, ये इतना ही, हमको तो एक ही इंच जाके देखना, हमको पता ही नहीं करना, हमको नहीं पता करना, क्योंकि एक इंच के ऊपर हम नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। तो भैया तुमको कुछ मालूम नहीं चलेगा कि अंदर गहराई में कितने मोती छिपे हुए हैं। मोती बटोरने के लिए गोता लगाना पड़ता है, इसलिए ये ज्ञान का सागर है, यहां पर गोता लगाए बगैर पार नहीं होगा। ठीक है ना, पार करना है। ये जो सफलता और असफलता के बीच की जो नदी का जो चुचुप जो हिस्सा है ना, वो पार करने के लिए तैरना पड़ेगा। इसलिए कोई भी सब्जेक्ट, कई बच्चे बोले मुझको भी कि सर एक फाइलम एक लेक्चर 50 मिनट का, 5 मिनट में पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी से हम। तो पढ़ लो भाई, याद करो, रट लो उसको, क्यों देखते हो लेक्चर, मत देखो लेक्चर के। आपको देखना है तो जब तक आपके, क्योंकि मैं कह रहा हूं आपसे कि लेक्चर देखने के बाद आपको दोबारा पढ़ना ही नहीं पड़ेगा एनसीईआरटी, आपको ऐसा लगेगा कुछ नहीं लिखा उसमें, एकदम याद, वो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो घंटा भर आप मेरे को देते हो ना बेटा, तो वो आपके सीखने का घंटा होता है, वो आवर जो होते हैं आपके लर्निंग के आवर्स होते हैं।